उठाकर कई शादियां करने वाला अपने आप को सिविल कोर्ट का वकील बताने वाला मुकेश कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जहां मुकेश कुमार की पत्नी पूजा कुमारी ने अपने जालसाज पति मुकेश के खिलाफ पटना सिटी के चौक थाना में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मुकेश कुमार को पटना के परसा बाजार से गिरफ्तार कर लिया है। पूजा ने बताया कि किसी केस के सिलसिले में उसने मुकेश से मदद ली थी, जहां मुकेश सिविल कोर्ट का वकील बताकर मिलने जुलने लगा और प्रेम जाल में फंसा कर 2017 में कोर्ट मैरिज कर लिया। शादी करने के बाद पूजा को किराए के मकान में रखने लगा। वहीं पूजा का पहला बच्चा होने पर उसे प्रताड़ित करने लगा, जहां पूजा किसी तरह अपने जीवन से समझौता कर अपने पति के साथ में रहने लगी। वहीं दूसरा बच्चा होने पर मुकेश पूजा से पिंड छुड़ाने के लिए पूजा और उसके बच्चे का गला दबाकर छुटकारा पाने की कोशिश की, जहां पूजा ने किसी तरह जान बचाकर अपने मायके पटना सिटी के चौक इलाके में स्थित लाल इमली पहुंची, जहां मुकेश ने उसके मायके पहुंचकर प्रताड़ित करने लगा, जिसके बाद पूजा ने कड़ा कदम उठाते हुए चौक थाना पहुंची और जालसाज पति मुकेश के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी मुकेश को परसा बाजार से गिरफ्तार कर लिया। पूजा का कहना था कि शादी के बाद उसकी सच्चाई का पता चला कि यह सिविल कोर्ट का वकील नहीं बल्कि मुंशी है और इसने पहले भी शादी की थी, उससे भी उसके दो बच्चे हैं। पहली पत्नी प्रताड़ित होकर मुकेश पर केस किया है, जो मुकदमा अभी भी तक न्यायालय में चल रहा है। इसके अलावे दो शादी और की है, जिसे अलग अलग इलाके में रखे हुए है। पूजा ने पुलिस को पहली पत्नी के अरेंज मैरिज का फोटो, केस मुकदमा और अन्य कई प्रमाण दी है। पूजा का कहना है कि अब इस जालसाज पति के साथ नहीं रहना है और मुकेश को सजा दिलाकर इंसाफ चाहती हूँ, ताकि कोई और लड़की का जीवन बर्बाद न हो सके। पिंकी सिंह के साथ न्यूज क्राइम 24 टीम की रिपोर्ट। क्या परेशानी है सर? मेरा नाम पूजा कुमारी है, मुकेश कुमार के नाम से कोर्ट मैरिज शादी किए थे 2017 में, और उसके बाद हमको पता चला कि पहले से भी एक शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची भी है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा दो बच्चा है। अब फिर आपको कब पता चला कि ये फिर शादीशुदा है? एक साल जब मेरा पहला बुआ हो गया, उसके बाद हमको पता चला कि पहले से शादीशुदा एक शादी किए हुए। अच्छा, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद पता चला कि एक और शादी किए हुए हैं और दो तीन गो रखे भी रखे हैं। अच्छा, और तो क्या चाह रही हैं? हम यही चाह रहे हैं सर कि हम इसकी हम FIR करेंगे और पूछेंगे। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम चौक थाना में हैं। चौक थाना में हम कंप्लेंट करने आए थे, तो सर को सारा बात बताया तो पकड़ा गया है और अभी चौक थाना में आया हुआ है। वो कहाँ का रहने वाला है? परसा का रहने वाला है। क्या करते हैं वो? सिविल कोर्ट में मुंशी है। मुंशी है? कौन पट कहाँ पर? सिविल कोर्ट पटना। हाँ। तो अभी थाना से क्या बोला गया आपको? थाना से बोला गया है कि आप क्या चाहती हैं, तो हम तो यही बोले हैं सर कि हमको समझौता तो नहीं करना है, हमको इन पर केस करना है और जेल भेजना है। और पहली बीवी भी केस की है महिला थाना से, उसका भी केस चल रहा है। वो कहाँ की थी पहली वाली? वो भी रेंट पे ही रहती है, दीघा के पास रहती है। आप कहाँ रहते हैं? हम यही सिटी में रहते हैं। कहाँ पर? लाली में। क्या नाम है आपका? दिक्कत यही है कि हम पूजा कुमारी हैं, मुकेश कुमार से शादी की। कब किए थे शादी? वो है 2017 में शादी किए, कोर्ट में शादी किया। अच्छा, और शादी के बाद में ये अपना घर तो नहीं ले गया, रेंट पर ले गया। रेंट पर ले गया तब वहाँ पर रह गया, एक महीने के बाद फिर पता चला कि बहू होने वाला है, तो हमको तो आने नहीं दिया। नहीं आने दिया, हमें बच्चों का सब हुआ और होला के बाद में भी एक दो महीने का बहू हो गया, तो फिर मेरे घर पर आया। मेरे घर पर आया तो वह एक दिन रहा, दिनों भर नहीं रहा, सुबह आया शाम के फिर लेकर चल गया। फिर आया या फिर पता चला कि दूसरा शादी है, उसे वो बेटी है वो है, और उसको बाद में भी दो किरण के रख ले है, वो कलकत्ता के मुसलमान ही, उसको भी रख ले है। आपको नहीं पता था कि अपनी बेटी से जब शादी आप कराया उससे, तो आपको मालूम था? नहीं, हमको मालूम से रहता तो हम ब्याह नहीं करते हैं। कहाँ दो हाथ लगा? कहाँ रहते हैं? हम ललिमली रहते हैं। तो अभी आप कहाँ आए हैं? अभी चौक थाना आए हैं।
क्या चल रहे हैं? क्या हम चाह रहे हैं कि अब उसको समझौता, बहुत बार समझौता करके हम बेटी को उसके साथ भेज दिए, और समझौता थाना में से समझौता कर लेता है और घर पर जाता अपना रंग दिखा लेता है। और भी कोई मामला बता रहे थे आपकी आपके नतनी के साथ? हाँ, अभी मेरे नतनी है, 18 वर्ष से मेरे नतनी है, उसको क्या कहता है कि जब तुरा इतना मजबूर कर देंगे कि तुम अपन बहन बेटी की मेरे साथ लाओगी तो रखेंगे, उतना ही रखेंगे। क्या आपके दामाद जो है उनका क्या नाम है? मुकेश कुमार। क्या करते हैं? सिविल कोर्ट के मुंशी है। कहाँ पर? गांधी मैदान सिविल कोर्ट है ना। हाँ, वहाँ पर। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम उसको आप अंदर कर देते हैं। आपकी बेटी को क्या चाह रही हैं, उसके साथ रहे या ना? बहुत दुख किया है सर, अब दूसरा मजबूर करके कमा कर पाले बहुत अच्छा है, बार बार मारता है, मुँह चाहता है, गलत दबता है, कितना बर्दाश्त करेगा? कहाँ का रहने बहुत और पीता है। कहाँ का रहने वाला है आपका दामाद? खपराइल चक पर सर। आपका क्या नाम है? अनिता देवी। आपकी बेटी का? पूजा कुमारी। दारू बहुत पीता है। उसका पत्नी पूजा कुमारी आवेदन दी थी, आवेदन के आधार पर उसको लाया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ के दरमियान में वो पता चला कि पहले भी एक शादी करके छोड़ दिया है, जो पत्नी केस की हुई है। अच्छा, उसका मामला न्यायालय में चल रहा है? न्यायालय में चल रहा है, फिर दूसरा ही शादी करके इसको छोड़ दिया है। अच्छा, तीसरा के चक्कर में आता। कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी से हुआ है। तो क्या वहाँ भी किसी महिला के संग ये थे? हाँ, महिला के साथ था, तो महिला भाग गई। अच्छा, अभी इन्हें कहाँ भेजा जा रहा है? न्यायालय में जाया जाएगा, नहीं मामला होने वाला है। क्या नाम हुआ आपका?